बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम डियर स्टूडेंट आई होप यू विल बी फाइन एंड गुड इन हेल्थ आज की के लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के चैप्टर नंबर फाइव ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आइडियल एंड नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं कि आइडियल एंड नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में क्या क्या डिफरेंस है नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये क्या है द ऑपरेशनल एम्प्रीफाई इज़ एन एलेक्ट्रॉनिक्सिट डेट बिहेव लाइक अ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स इक्वलेंट जो इसकी सर्किट डायग्राम है ये आपके सामने नज़र आ रही है हमारे पास यहाँ पर V1 वन वोल्टेज हमारे पास जो हमने मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास पिन कन्फिग्रेशन में टोटल एट पिन ये आई अवेलेबल होता है जिसमें हमारे पास टू इनपुट्स होती हैं और एक हमारे पास आउटपुट होती है और सिंप्लिसिटी के लिए हम इसकी जो सप्लाई है वो हम इसको इग्नोर करते हैं ताकि सर्किट जो है वो हमें आसान नजर आए इसमें हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस होती है आर आई जो यहाँ पर शो किया गया है और आउटपुट रेजिस्टेंस को हमने आर नॉट का नेम दिया है ये इक्वलेंट सर्किट है जो कि नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है तो नॉन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम क्या कह सकते हैं ये बिहेव लाइक है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है जिसमें हम इनपुट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आउटपुट जो हमें है वो हमारे आउटपुट वी नॉट की फॉर्म में आउटपुट के ऊपर मिलती है अगर हम इसकी इनपुट पैरामीटर्स की बात करें तो हमें जो इनपुट रेजिस्टेंस है जो नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस है वो टेन रिस्ट पावर सिक्स टू टेन रिस्ट पावर थर्टीन ओ तक अवेलेबल होती है और इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो टेन पावर सिक्स टू टेनर पावर थर्टीन है अगर हम इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें आर नॉट की बात करें तो टेन ओहम्स से लेकर हंड्रेड ओहम्स तक इसकी वैल्यूज होती है और अगर हम इसकी ओपन लूप गेन की बात करें जो गेन हमारे पास होता है आउटपुट ओवर इनपुट मीन्स अगर हमें आउटपुट के ऊपर 10 वोल्ट मिल रहे हैं और अगर हमने इनपुट 2 वोल्ट अप्लाई किया है तो आउटपुट ओवर इनपुट 10 डिवाइड बाय 5 सो so गेन को हम लिखेंगे इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट सो हमारे पास अगर गेन हमें आउटपुट uh, हमें टेन वोल्ट मिल रही है और इनपुट हमने टू वोल्ट अप्लाई किया इट मीन्स हमारे पास जो गेन होगा वो उसकी वैल्यूज होगी फाइव यानी जो भी इनपुट के ऊपर सिग्नल आएगा उसको फाइव टाइम आउटपुट के ऊपर अप्लाई करेगा सो so, हमारे पास जो ओपन लूप गेन है इसकी रेंज टेन रेज टू पावर फाइव टू टेन रेस टू पावर एट होती है और ये भी प्लीज़ कंसीडर ज़रूर कीजिएगा कि हमारे जो सप्लाई वोल्टेज हैं सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हमें आउटपुट के ऊपर वोल्टेज नहीं मिल सकते यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है टेनरेस टू पावर फाइव टू टेन एस पावर एट तक हमें गेन मिल सकता है तो इसका मतलब हुआ अगर हम वन वोल्ट अप्लाई करेंगे तो टेनरे पावर फाइव मीन्स के वन हंड्रेड थाउजेंड आपको आउटपुट मिल सकते हैं बट कि ये रॉन्ग है वन हंड्रेड थाउजेंड वोल्ट नहीं मिल सकते जो सप्लाई वोल्टेज है जो यहाँ पर मेंशन है 5 टू 24 वोल्ट मैक्सिमम हम इसको अप्लाई कर सकते हैं तो ये सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट के ऊपर वोल्टेज नहीं मिल सकती है वो सेचूरेट हो जाएंगी इसका मतलब ये है कि हम इनपुट के ऊपर अगर हम स्मॉल वैल्यूज़ का सिग्नल अप्लाई करें जो कि माइक्रो अम्पेयर में हो या माइक्रो वोल्ट में हो मिली वोल्ट के अंदर हो तो उसको ये टेनस पावर फाइव टू टेन पावर एट टाइम जो है वो इंक्रीज कर सकता है लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी वो ट्वेंटी फोर वोल्ट से ज्यादा आपको आउटपुट नहीं मिल सकती या ये आप कंसीडर कर सकते हैं जो आपके सप्लाई वोल्टेज हैं सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा आपको आउटपुट गेन नहीं मिल सकता सो ये थी हमारे पास नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर सो द ऑपरेशन एम्पलीफाई सेंसिस द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट मल्टीप्लाई बाई इट्स गेन जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आउटपुट जो हमें मिलती है वो दो इनपुट्स जो V1 V2 का डिफरेंस होता है वोल्टेज का उसको अगर हम ए को अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं सो इक्वल्स टू वी नॉट ओवर V2 टू माइनस वी सो ये हमारे पास वैल्यूज आएगी ए इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी टू माइनस आउटपुट गेन so, हमारे पास इसकी वैल्यूज है तो इसको हम हमारे पास जो ये ओपन लूप वोल्टेज लूप वोल्टेज गेन नहीं है इसको हम ओपन लूप वोल्टेज गेन कहें अगर हम आइडियल ऑपरेशन एम्प्लीफायर की बात करें तो जैसा हमारे नॉलेज में है कि हमने बताया आपको कि जो गेन है वो नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो होता है वो टेनरेस्ट टू पावर फाइव टू टेन रिस्ट पावर एट होता है लेकिन हम आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर ये कंसीडर करते हैं कि इसकी जो गेन की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है यानी इन्फिनिटी है और इनपुट रेजिस्टेंस जो है जितनी इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उतना ही ऑपरेशन एम्प्रीफायर जो है वो बेहतर परफॉर्म करता है तो आइडियल में ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है जबकि नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो टेनरस पावर सिक्स टू टेनरिस पावर थर्टीन होती है अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो जितना आउटपुट रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही ऑपरेशन एम्पलीफायर बेहतर होता है जिस तरह हमारे सामने ये नजर आ रहा है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर अगर आइडियल है तो उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होगी और नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की रेजिस्टेंस जो है वो 10 टू 100 ओम होती है सप्लाई वोल्टेज जो है हम नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर को 5.24 वोल्ट अप्लाई करते हैं जबकि हम आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर वोल्टेज सप्लाई को शो नहीं करते सो एन आइडियल ऑपरेशन एम्प्लीफायर इज एन एम्पलीफायर विद इनफाइनाइट ओपन लूप गेन इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस एंड जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस तो हम कह सकते हैं कि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में जो हमारा गेन है वो इनफाइनाइट है इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो जीरो कंसीडर होती है सो so, हम कैसे ना इक्विलेंट सर्किट ये हमारे पास सामने सर्किट नजर आ रहा है द इक्विलेंट सर्किट ऑफ आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर करंट एंड वोल्टेज इन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर हम हमारे पास टू टर्मिनल टू टर्मिनल्स होते हैं इनपुट के लिए और एक टर्मिनल हमारे आउटपुट के लिए होता है सो वी वन एंड वी टू और आउटपुट हमारे पास है वी नॉट सो आई इन अगर हमारे पास इनपुट रजिस्टेंस जो है इनपुट रजिस्टेंस हमारे पास अगर इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली जब इनपुट रजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है तो उसमें से करंट जो है वो ज़ीरो पास करता है तो so, हम कह सकते हैं आई एन इक्वल्स टू जीरो एंड आई पी इक्वल्स टू जीरो सो आई एन इक्स टू जीरो एंड आई पी इक्वल्स टू जीरो सो जो हमारे पास वोल्टेज होंगे वी डी इक्व टू वी टू माइनस वी नॉट

नॉन आइडियल और आइडियल ओपरेशन एम्प्रीफायर में डिफरेंस का आइडिया हो चुका होगा अब बात करते हैं फ़ीडबैक की तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर हम दो तरह के फीडबैक यूज़ करते हैं एक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव फ़ीडबैक कहते हैं अगर हमने आउटपुट से टर्मिनल आउटपुट से हमने अगर सिग्नल को बैक हम इनपुट पे अप्लाई करते हैं तो अगर हमारा टर्मिनल जो हमने आउटपुट से फीडबैक लिया और आउटपुट से फीडबैक लेने के बाद जैसा कि हमारे यहाँ पर शो हो रहा है हमने आउटपुट से अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर अप्लाई किया तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक और अगर हमने आउटपुट से सिग्नल लेके हम उसकी नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर अप्लाई किया तो हम इसे कहेंगे नेगेटिव फीडबैक तो ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर हम नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करते हैं उम्मीद है कि आज के लेक्चर के अंदर आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में पता चल चुका होगा और अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ इनबॉक्स कीजिएगा इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग